जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। मेरे हाथ में यहाँ पर अभी पोको M4 Pro 4G एंड इस डिवाइस की जो है मैं यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूँ आफ्टर यहाँ पर MIUI 13.0.2.0 के बाद। जी दोस्तों, इसके यहाँ पर मैं वीडियो दे चुका हूँ और काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कि इसकी चार्जिंग टेस्ट वाली वीडियो ले आओ, क्योंकि इस पर Xiaomi ने जो ये अपडेट रिलीज़ किया ना, सिर्फ इसके अंदर ये 13.0.2.0 कर दिया। पहले 13.0.1.0 एंड्रॉयड 12 था, और इस बार भी जो अपडेट दोबारा रोल आउट हो रहा है ना, उसका भी वर्जन सेम ही है 13.0.2.0। बस यहाँ पर 2.0 है, पहले 1.0 था। पहले भी एंड्रॉइड 12 का 2.8 GB का अपडेट साइज था, अभी भी उतना ही अपडेट साइज में लोगों को अपडेट शो कर रहा है, और वही अगस्त वाला सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिलता है। तो इसके बाद जो है ना, लोगों की डिमांड थी क्या इसके अंदर कुछ हुआ है, यहाँ पर चार्जिंग के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिली है, क्योंकि जब हमने 13.0.1.0 एंड्रॉइड 12 किया था ना, तो उसमें एक इशू था जो कि नेटफ्लिक्स के अंदर वाइडवाइन L1 का जो है शो नहीं कर रहा था, L3 शो कर रहा था, बट 13.0.0.2.0 अपडेट करते जो है वो सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो चुका है, पहले जैसा कर दिए गए। अब वाइडवाइन L1 शो करने लगा है इसके अंदर दोबारा से। तो ये एक 13.0.1.0 के अंदर छोटा सा बिल्कुल बग था, उसको 13.0.2.0 में फिक्स कर दिए गए। तो यहाँ पर मैं जो है इसकी चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूँ, और डिवाइस जो है अभी लगभग यहाँ पर 5% के आसपास चार्ज है। आप देख सकते हैं 5% जो है मेरा डिवाइस यहाँ पर चार्ज है, और 5% चार्ज है, और बैटरी का जो टेम्परेचर 38 डिग्री के आसपास देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको अब चार्जिंग में लगाने वाला हूँ और देखूंगा कि यहाँ पर कितना ये चार्ज होता है, और मैं आप लोगों से मिलूंगा आधे घंटे बाद कि आधे घंटे में जो है इसने कितना परसेंट यहाँ पर चार्ज किया है। और आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स की न्यूज़ आएंगी सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी आपके इस डिवाइस के रिगार्डिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जो है मैं यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर एक और भी चीज़ बता दूँ कि डिवाइस में ड्यूल सिम लगा हुआ है और सब कुछ आप लोगों के सामने होने वाला है, और मैं 6:46 पर जो है यहाँ पर चार्जर लगा रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर कितनी देर में जो है ये चार्ज होता है फुल। अभी मैं जो है आपको आधे घंटे बाद बताऊंगा, अभी देखेंगे 5% पे चार्ज है, और 6:46 में मैंने चार्ज में लगाया हुआ है। अभी 5% से जो है चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ, और इसके बाद जो है चार्जिंग के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ आधे घंटे बाद कि आधे घंटे में कितना चार्ज करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है ना डिवाइस को चार्ज में लगे हुए आधा घंटा हो चुका है, 7:17 हो चुके हैं, जबकि हमने जो इसको चार्ज में लगाया था 6:46 पे, और अभी 7:17 है, यानी कि तकरीबन मान लीजिए 31 हो चुके हैं फ़ोन को चार्ज हुए, और इसने जो है 60% बैटरी जो है यहाँ पर चार्ज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसने आधे घंटे के अंदर या 31 में जो है 60% बैटरी यहाँ पर चार्ज हो चुकी है, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो 31 के अंदर जो है इसने सिर्फ 60% बैटरी चार्ज किया, जो मेरे हिसाब से लाजवाब है यहाँ पर, क्योंकि 5000 mAh बैटरी और 33 वाट के स्पीड से चार्ज हो रहा है, और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चार्ज हो रहा है। इतना तो हमारा जो डिवाइस है, जब पोको F4 हो गया, वो भी इतनी जल्दी चार्ज नहीं होता 67 वाट के हिसाब से, और ना ही जो एक और भी डिवाइस है Xiaomi 11 Lite 85G, वो भी इतनी तेज़ी में नहीं होता। बट ये डिवाइस जब से हमने लिया था ना, तब से एक ही चीज़ मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि इसकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर, और बैटरी भी उसी हिसाब से चलती है, काफ़ी सही चल जाती है बैटरी, एक दिन आराम से निकलती है। तो ये चीज़ मुझे पसंद आती है, क्योंकि इसके अंदर MMT टेक्नोलॉजी दे रखा है, और MMT टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना चुके हैं, चैनल पर आप लोग प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अभी टेम्परेचर है 42 डिग्री, जब हमें चार्ज में लगाया था 38 डिग्री था, तो ज़्यादा डिवाइस भी हीट नहीं हुआ है, सिर्फ 4 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा जब डिवाइस जो है कम्प्लीटली यहाँ पर फुली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है ना मेरा ये जो फ़ोन है पोको M4 Pro, इसको मैंने फुल चार्ज कर लिया, और फुल चार्ज करने के बाद जो है इसको टाइम कितना लगाया, तो अभी आप देख सकते हैं 100% जो है कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है, और यहाँ पर टाइम 7:46 हो रहे हैं, हालांकि ये फुल चार्ज जो है यहाँ पर 7:45 पर ही हो गया था। तो कम से कम 59 मिनट के अंदर, यानी 59 मिनट में जो है इसने 100% चार्ज कर दिया, और हमने चार्ज जो लगाया था ना, वो आपसे भी बता दूँ हमने लगाया था 6:46 पर। मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ जो मैंने पहले यहाँ पर कॉपी पर नोट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आफ्टर MIUI 13.0.2.0 अपडेट के बाद 6:46 में हमने चार्ज में लगाया था, 5% बैटरी चार्ज थी और 38 डिग्री टेम्परेचर था। फिर 7:17 पे चेक किया, तकरीबन 31 मिनट बाद चेक किया, तो हमने जो यहाँ पर देखा कि बैटरी जो है 60% तक पहुँच चुकी है, और 42 डिग्री टेम्परेचर भी पहुँच चुका है। तो तकरीबन 55% चार्ज होने में इसको लगभग 31 मिनट लगे, और फुल चार्ज होने में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमिंग लगभग 59 मिनट्स लगे हैं। जी तो 59 मिनट्स में जो है इसने फुल चार्ज कर दिया, और टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास गया है, और इससे कम अभी देखने को नहीं मिला। अब डिवाइस धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो रहा है,
अब मैं आपको दिखा दूँ ये चार्जिंग का जो है स्टेटस आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है, 100% पूरी चार्ज हो चुका है। तो चार्जिंग में कोई भी इशू नहीं है, मैं हमेशा तरह कह रहा हूँ जब से लिया है तब से यहाँ पर मैंने आपको कहा कि चार्जिंग स्पीड इस फोन की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जिस स्मार्टफोन में 67 वोल्ट है ना, उससे भी बेटर आपको चार्जिंग स्पीड देखने को मिलती है, क्योंकि MMT टेक्नोलॉजी Xiaomi की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसके रिगार्डिंग हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। और कंपनी को वो टेक्नोलॉजी सारे 5000 mAh वाले बैटरी के अंदर देना चाहिए, जितने भी डिवाइसेज इनके आते हैं 5000 mAh बैटरी के साथ उन सभी में देने चाहिए, बट कंपनी देती नहीं। पता नहीं ऐसे क्या रीज़न है, या तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता होगा। बट यहाँ पर आपको ये टेक्नोलॉजी पोको M4 Pro Redmi Note 11S के अंदर देखने को मिलती है, तो चेक कर लीजिएगा आपके डिवाइस के अंदर ये 13.0.2.0 का लेटेस्ट अपडेट आ चुका होगा एंड्रॉयड 12 के साथ, और इसमें आपको सारे बग्स वगैरह फिक्स होते हुए देखने को मिल जाते हैं और वाइड वाइन L1 का भी आपको सर्टिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बस यही था दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर, आपको यही बताना था। इसको फुल चार्ज होने में 59 मिनट्स लगे हैं, तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड मुझे कोई भी शिकायत करने वाले लायक लगी नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिला है, तो ये चीज़ काफ़ी एक बढ़िया बात है। तो आप लोग बताइएगा चार्ज करके अपने डिवाइस को कि आपका डिवाइस कितनी देर में यहाँ पर चार्ज होता है, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा आप लोग। जय हिंद।